लगाओ। नया दोस्तों स्वागत है आपका भोजपुरी कलेक्शन में। इस वीडियो में आपसे बताने वाले हैं प्रदीप पांडे चिंटू जी का फिल्म विवाह 3 आपसे के बीच में रिलीज कर दिया गया है कल से, यानी बता दें कि 20 अक्टूबर और झारखंड के सिनेमाघरों पे उतार दिया गया है। और आपसे बताना चाहेंगे आज सिनेमाघरों पे उतरे हुए टोटल बताए 2 दिन हो गया है और ये फिल्म दूसरे दिनों में कितने करोड़ रुपए कमाई अपने नाम कर रही है। आज की वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी आपको देने वाले है, तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देते रहे। अगर अभी चॉकलेट स्टार प्रदीप पांडे चिंटू जी के फैन हो तो इस वीडियो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रदीप पांडे चिंटू जी का फिल्म विवाह पार्ट 1 जो है पार्ट 2 धमाल मचाने बाद अब आप सबके बीच में पता पार्ट 3 जो है रिलीज कर दिया गया सिनेमाघरों पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में, विवाह 3 के बारे में। विवाह 3 में फिल्म के बारे में बात करें तो फिल्म को जो स्टार कास्ट नजर आ रहे हैं प्रदीप पांडे चिंटू और बता रहे अमरपाली दुबे, जितेंद्र राय और भोजपुरी के बेहतरीन कलाकार इस फिल्म में काम करते हैं आप सभी को देखने को मिलेंगे, जो की आप सभी इस फिल्म में ट्रेलर में भी देखे होंगे। भाई आप सभी को बता दे चले भोजपुरी के चॉकलेट स्टार प्रदीप पांडे चिंटू जी का फिल्म विवाह 3 इस फिल्म को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं निशांत उज्जवल जी और डायरेक्ट कर रहे हैं रजनीश मिश्रा जी। रजनीश मिश्रा के डायरेक्शन में बनने वाली कोई फिल्म में तो हमेशा सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है, कई फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं चिंटू पांडे जी का फिल्म को। चलिए दोस्तों आपसे भी बता चले भोजपुरी के चॉकलेट स्टार स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू जी की फिल्म विवाह 3 इस फिल्म के बारे में कहानी बात रही। कहानी दोस्तों बता रहे लव स्टोरी ड्रामा फुल एक्शन भाई मूवी होगी और यह फिल्म जो है विवाहिक को लेकर पारिवारिक फिल्म होगी। यह फिल्म जो है भोजपुरी के सिनेमाघरों पे बहुत ज्यादा दर्शक पसंद करते हैं, क्योंकि इस फिल्म ने पार्ट 1 और 2 और 3 धमाल मचा आप सभी बीच में 3 रिलीज कर दिया गया छठ पूजा के शुभ अवसर पर बिहार में, बता दें कि 1 अक्टूबर से और वही बता दें 24 नवंबर से मुंबई उत्तर प्रदेश और पंजाब में रिलीज किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी आपसे बताते चले प्रदीप पांडे चिंटू जी की फिल्म विवाह 3 जो है इस फिल्म ने पहले दिन सिनेमाघरों पे कमाई की है 3 से 4 लाख रुपए कारोबार अपने नाम किया, जो की बहुत ही अच्छी कलेक्शन कर रही है, जो की मैं आप सभी को अनुमानित कलेक्शन बता रहा हूँ। दूसरे कलेक्शन दूसरे दिन का बात किया जाए तो दिन में बता रहे की 9 से 10 लाख रुपए कारोबार अपने नाम कर चुकी है, बहुत ही अच्छी कलेक्शन कर रही है सिनेमाघरों पे और बिहार में बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म जा रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से प्रदीप पांडे चिंटू जी की फिल्म पहले और दूसरे दिन का कितना कलेक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से, अपना राय जादू वीडियो को। भोजपुरी इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए कौन सा फिल्म आ रहा, कौन सा ट्रेलर आ रहा, कितनी कमाई, कितनी कलेक्शन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माई वॉचिंग माई वीडियो।